दोस्तों एक सिस्टर ने मुझे रिक्वेस्ट किया, ये जो लटकन है ना मेरे ब्लाउज में था, ये कैसे कटिंग और सिलाई करना है वो दिखाने के लिए। चलिए आज दिखाई देती हूँ किस तरह से लटकन तैयार करना है। फैब्रिक के देखिए चौड़ाई में आप 4.5 इंच रख दो, इस तरह भी आप 4.5 इंच रख दो या कम ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बराबर होना है। अभी डोरी लेना है, डोरी का पेन मैंने पहले ही तैयार कर लिया, इसको इस तरीके से रखना है, दोबारा से इसको फोल्ड करना है। अभी देखिए इस साइड से आपको सिलाई करते हुए यहाँ तक लेके आना है, तो चलिए अभी सिलाई करते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ब्लाउज या कुछ भी ड्रेस बहुत अच्छा सिलाई करना आता है, लेकिन उनको थीन डोरी तैयार करना नहीं आते हैं। तो आपको अगर थीन डोरी तैयार करना है तो कमेंट बॉक्स पे चेक करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ तक सिलाई करके इसको लग कर देना है। तो अभी इसको क्या करना है, कॉर्नर पे हल्का सा काट लगा के इसको पलट लेना है। पलटते टाइम इसको धीरे धीरे देखिए पलट देना है, पूरा पहले इसका पलट देना है। पलट देने के बाद इसका जो कॉर्नर है ना, इसको अच्छे तरीके से बाहर की तरफ इसको बराबर मिला देना है। देखिए हो गया है। अभी इसको क्या करना है, दोबारा से अंदर डालना है। तो देखिए जो डोरी का साइड है ना, वो धीरे धीरे इस तरीके से आपको बाहर की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए बाहर ये आ गया है, लेकिन इसको क्या करना है, आपको बराबर तरीके से दोनों साइड पे मिलाना है, नहीं तो क्या होगा, पलटने के बाद देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा इसको मिलाते हुए रखना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। टाइम उतना नहीं लगता है, वीडियो के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, नॉर्मल टाइम नहीं लगते है। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हो गया है। अभी हमें सिलाई करना है, तो सिलाई किस तरीके से करना है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसको तिरछा करके यहाँ पे सिलाई कर लेना है, सिलाई के बाद इसको अंदर डाल देना है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई हो गया है। अभी इसको हल्का सा काट लगा देना है, इसको अभी पलट देना है। तो देखिए मैंने पलट दिया, कितना अच्छा लटकन यहाँ पे फैब्रिक का हो गया। दूसरा भी मैं सेम तरीके से तैयार कर लूंगी। देखिए दोनों लटकन यहाँ पे तैयार हो गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा या पसंद भी आया होगा। पसंद आने पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात हुआ न्यू वीडियो के साथ।